अब हम आते हैं आप इसके बाद आपके टूरिज्म टूरिज्म मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है लेपर मॉडल। लेपर्स मॉडल, लेपर जो नेल लेपर है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो 1979 में दिया था। इनका मॉडल बहुत, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री 1950 के बाद ही एकेडमिक टर्म में उभरी है। इंडिया में अभी भी एकेडमिक टर्म में उतनी उस तरह उस लेवल पे नहीं उभरी है। तो ये पाइनर, आप कह सकते हो कि पाइनर, ये जितने मॉडल हम कर रहे हैं ये सारे पाइनर थे अपनी अपनी फील्ड में, जिन्होंने टूरिज्म पे कुछ रिसर्च किया था। तो इनका 1979 में सबसे पहले इन्होंने अपना जो मॉडल निकाला, और इनको इन्होंने फिर 1990 में अपडेट कर दिया। तो जो ये इंडस्ट्रियल एलिमेंट है, मैं आगे बताऊंगा, ये 1990 में इन्होंने अपडेट किया, ठीक है। तो इसके तीन एलिमेंट है बेसिकली। फर्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट, जो आप देख सकते हैं टूरिस्ट, ठीक है। तो ट्रैवल टूरिज्म तो लोगों के ट्रैवल को ही कहेंगे, ठीक है, उनके उन लोगों के ट्रैवल को ही टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट में क्या आ गया, टूरिस्ट, बेसिक सी बात है। और सेकेंड एलिमेंट है ज्योग्राफिकल एलिमेंट। ज्योग्राफिकल एलिमेंट में तीन चीजें आती है। फर्स्ट है जनरेटिंग रीजन, जहां से टूरिस्ट जनरेट हो रहा है, और डेस्टिनेशन रीजन, जहां को टूरिस्ट जा रहा है, और थर्ड है ट्रेवल एंड रूट, जिस रास्ते से जा रहा है, जिस मीडियम से जा रहा है, दैट इज ट्रेवल एंड रूट। तीन चीजें हैं बेसिकली। तो ये इन सब का ही एक ज्योग्राफिकल एलिमेंट है, ठीक है। ये ज्योग्राफिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट है इंडस्ट्रियल एलिमेंट। इंडस्ट्रियल एलिमेंट में होगी आपकी ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, होटल मैन, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, ठीक है। और कोई आप रेलवे, कोई और तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, क्रूज, तो ये सब कुछ, रेस्टोरेंट, ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, इस जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसको, ह्यूमन एलिमेंट को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इस ज्योग्राफिकल एलिमेंट में, वो है इंडस्ट्रियल एलिमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया, एक सिंपल सा ग्राफ बनता है इसका। तो ये है टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन। तो सपोज करो कोई अमेरिका से इंडिया आ रहा है, तो अमेरिका, अमेरिका हो गया टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन, जहां से टूरिस्ट जनरेट हुआ, वो आया ट्रांजिट रूट से, ठीक है। वो क्रूज से आ सकता है, वो एयर एयर फ्लाई करके, एयर ट्रैवल करके आ सकता है, तो वो हुआ ट्रांजिट रूट, वो भी एक ज्योग्राफिकल रीजन हुआ, ठीक है। तो दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन हुआ ये, दूसरा ज्योग्राफिकल एलिमेंट हुआ ये। फिर वो कहाँ पहुंचता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ के लिए वो उड़ा है, जहाँ जहाँ उसने जाना है, जहाँ उसने ट्रैवल करना है बेसिकली। तो वो हो गया इंडिया, ठीक है, वो इंडिया आ गया। तो ये हो गया टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन। फिर अब वो वापस चला जाएगा। तो ये देखो तीन रीजन हो गए, ये हो गया फर्स्ट ज्योग्राफिकल एलिमेंट, ये सेकंड ज्योग्राफिकल एलिमेंट, एंड दिस इज थर्ड ज्योग्राफिकल एलिमेंट। अब आप यहाँ देख सकते हो दो चीजें हैं, एक है पुल फैक्टर, एक है पुश फैक्टर, ठीक है। पुल फैक्टर से नाम से पता लग रहा है, पुल फैक्टर ऐसा, ऐसे फैक्टर जो पुल कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन हमेशा पुल करती है अपने टूरिस्ट को, पुल करती है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सपोज करो शिमला और मनाली दोनों एक ही तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट देती है, ठीक है, दोनों माउंटेनियस है, ठीक है। मगर फिर भी अगर तुम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं शिमला और गोवा में, ठीक है, तो गोवा की पुल फैक्टर होंगे उसकी बीचेस, उनकी उनकी सनशाइन, ठीक है, जो आप वो सन सी और सैंड मिलेगा, वो चीज हो जाएगा। हमारे शिमला का हो जाएगा माउंटेन, ठीक है, उनका ये कॉलोनियल हिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये उनके पोल फैक्टर है। बट अगर हम दो भी एग्जाम्पल ले, अगर हम शिमला और मनाली का भी एग्जाम्पल ले, तो अगर उन दोनों में सेम, अगर वो सेम प्रोडक्ट भी है, तब भी शिमला कुछ अलग पोल फैक्टर है और मनाली कुछ अपने पोल फैक्टर है, ठीक है। तो हो सकता है आप ट्रैवल कम करना चाहते हो, आपका ट्रांजिट रूट आप कम रखना चाहते हो, तो आप शिमला प्रेफर करोगे कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, अपने वापस भी आना है, ठीक है। 2 दिन का ट्रिप होगा, मनाली जाओगे तो फिर कब तक वापस आओगे, कब आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो आप टाइम की वजह से आप शिमला चूज करते हो सकता है, आप एडवेंचर एडवेंचरस हो, ठीक है, आपका पर्पस एडवेंचर टूरिज्म हो, तो आप मनाली प्रेफर करोगे क्योंकि वहां ज्यादा स्कोप है उसके। तो जो एडवेंचर है वो क्या है, वो मनाली का पुल फैक्टर है, और जो टाइम कम लगता है, ज्यादा फैसिलिटीज है एक्सेसिबल ज्यादा है नियरेस्ट सिटीज से, तो वो शिमला का पुल फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जनरेटिंग रीजन भी होता है, जनरेटिंग फैक्टर्स में क्या आता है, जनरेटिंग पुश फैक्टर हो सकते हैं, आपके पास ज्यादा इनकम हो सकती है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो आप सोचते हो कि आपको ट्रैवल पे कंज्यूम करना है, आपको रिलैक्सेशन के लिए जाना है, ठीक है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको रिलैक्सेशन के लिए जाना है, आपको बिजनेस के लिए जाना है, तो सब कुछ क्या है, पुश फैक्टर है, ठीक है, जो आपको आपकी जनरेटिंग रीजन से, आपके जो नेटिव प्लेस है वहां से धकेलते हैं कि जाओ एक्सप्लोर करो, दैट इज पुश एंड पुल, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ आओ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि एस्केप, पुश फैक्टर क्या हुआ है, एस्केप कर रहे हो आप, सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। जैसे
जैसे कई अमेरिकन इंडिया आते हैं मेडिटेशन के लिए, ठीक है, आपको पता है स्टीव जॉब इंडिया आए थे मेडिटेशन के लिए, ठीक है, तो वैसे ही वो दैट इज सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, रेस्ट करने रिलैक्सेशन के लिए आप चले जाते हो, ठीक है, मालदीव चले जाते हो रिलैक्सेशन के लिए, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कल भी दिया था ग्रैंड टूर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तो उन वेल्थी क्लास के लिए वो प्रेस्टीज था कि हमारे पास इतना पैसा है, बेसिकली हम इतने वेल्थी है कि हम अपने बच्चों को एक पूरे महीने 6 6 महीने के लिए ट्रैवल पे भेज सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज दैट टू शो प्रेस्टीज कि हम इस चीज में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हम आज के टाइम प्रेस्टीज बहुत ज्यादा हो जाता है, हम कहीं भी जाते हैं हम फोटो खींचते हैं जस्ट टू शो अदर कि हम यहाँ गए हैं, ठीक है, दैट कम्स अंडर प्रेस्टीज, तो वो क्या है, पुश फैक्टर, ठीक है, कि वहां तो जाना है कि वहां जाके फोटो खींचना है, दैट कुड बी अ पुश फैक्टर, चैलेंज, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो आपको लगता है कि मैंने रॉक क्लाइंबिंग करनी है, मैंने छोटा एक कोई छोटा पहाड़ क्लाइंब कर रखा है, ठीक है, मुझे कोई बड़ा पहाड़ क्लाइंब करना है, मुझे कोई रॉक क्लाइंब करना है, तो दैट इज चैलेंज लेते हो, वो आपका पुश फैक्टर होता है, फिर लास्ट में इनकम आ गया, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे कैसे ही मतलब पुश फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, क्या कैसे घूमोगे अगर आपका पैसा नहीं होगा, तो इनकम, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, और पुल फैक्टर में क्या आता है, पुल फैक्टर में अगेन वही सैनिक ब्यूटी, अगर आपको ब्यूटी के लिए जाना है, आपको नेचर नेचुरल ब्यूटी देखनी है तब आप ट्रैवल कर सकते हो, क्लाइमेट, क्लाइमेट हो सकता है कि जैसे यूरोप में क्या होता है, जो नॉर्दर्न पोर्शन में होते हैं यूरोप, वो क्या करते हैं सर्दियों में साउथ यूरोप की तरफ आ जाते हैं, तो मतलब जो स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड या पूरा यूनाइटेड किंगडम ही ले लो, ठीक है, जर्मनी नॉर्वे नीदरलैंड ये सारे क्या करते हैं इटली की तरफ, इटली स्पेन पोर्चुगी की तरफ ट्रैवलिंग के लिए आ जाते हैं, हॉलीडेज के लिए आ जाते हैं या वेकेशंस पे आ जाते हैं, क्यों, क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि ऊपर नॉर्थ में सर्दियों में ठंड ज्यादा ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, और वैसा ही ऑपोजिट होता है गर्मियों के टाइम, क्या होता है जैसे इंग्लैंड वाले ही स्कॉटलैंड की तरफ प्लान कर लेते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, तो ये भी ये मैप में नहीं पता है, ठीक है, तो वो फिर अब वो गर्मियों की तरफ वो नॉर्थ की तरफ प्लान करते हैं, ठीक है, तो ये क्लाइमेटिकल पुश भी पुल भी होता है किसी डेस्टिनेशन में, हिस्ट्री हो सकता है आपको किसी हिस्ट्री, अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखनी है तो आपको इंडिया और पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप और कहीं नहीं जा सकते, तो वो पुल फैक्टर है इंडिया और पाकिस्तान के पास, ठीक है, कल्चर, कोई पर्टिकुलर कल्चर देखना है तो वो उसी जगह मिलेगा, ऑथेंटिक तो वही मिलेगा, स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, अगर बीजिंग ओलंपिक करवाता है तो अगर आपको ओलंपिक देखना है तो आपको बीजिंग ही जाना पड़ेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, आपको कोई ऐसा ऑपरेशन करवाना है जो सिर्फ अमेरिका में ही होता है, ठीक है, किसी तरह का ऑपरेशन, तो आपको अमेरिका मूव करना पड़ेगा, आपको अमेरिका ट्रैवल करना पड़ेगा, आपका वो मेडिकल टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और जगह वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं पुल और पुश फैक्टर्स। नेक्स्ट हम करेंगे मैथिसन एंड वॉल्स, मैथिसन और वॉल एंड 90, इनकी डेट्स याद रख लेना सबकी, लेपर का वैसे 1979 याद रखना, जो जो कि मेजर जो इनका मॉडल आया वो 1979 में आया, और वॉल्स का मैथिसन एंड वॉल्स का रखना 1982 का, ठीक है, तो इन्होंने बताया, मॉडल ने दिया, इन्होंने दिया कि टूरिस्ट कि क्या मोटिवेशंस रहती है ट्रैवल करने की, ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या मोटिवेशन रहती है और क्या प्रोसेस रहता है, जिस बहुत सिंपल है, ठीक है, अब हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, बट या इट वाज द बिगनिंग ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, इवन 1982 इज अ एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर जब इंडिया ने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री माना था, ठीक है, तो तब तक उन्होंने इतनी रिसर्च कर ली थी, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि टूरिस्ट सबसे पहले ये एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट थे दोनों, तो इन्हें साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से बताया कि क्यों टूरिस्ट क्यों टूरिस्ट क्यों क्यों एक आदमी ट्रैवल करता है, तो फर्स्ट चीज इज फेल्ट नीड, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागती है, जिज्ञासा जागती है कि हमें घूमना, एक जरूरत महसूस होती है, हो सकता है वो अपनी वो अगेन अपने डेली रूटीन से परेशान हो, किसी और पर्सनल रीजन से परेशान हो, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम हो, तो फेल्ट नीड हो गई, ठीक है, आपको घूमने की चाह जागी, फिर आप क्या करते हो, आप जिस तरह की आपको चाह, हो सकता है आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है तो आप, हो सकता है आपको डिज्नीलैंड जाना है, ठीक है, आपको किसी अम्यूजमेंट पार्क जाना है, तो आप सर्च करोगे, क्या करोगे, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि कहाँ कहाँ मेरे नजदीक अम्यूजमेंट पार्क है, मुझे वाटर पार्क जाना है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, मुझे क्या करना है, जब आप वो सब कुछ कलेक्ट कर दोगे देन यू इवेल्युएट
कि यार ये इतना महंगा है, यहाँ की अकोमोडेशन दूर दूर है, ये कितनी अकोमोडेशन मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो सब कुछ इवेल्युएट करके आप एक ट्रैवल डिसीजन बना देते हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे थाईलैंड जाना है, सपोज कर लो, ठीक है, तो आपने डिसाइड कर दिया, फिर आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन करोगे, हो सकता है आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, और है आपके पास तो आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, वो सारी फॉर्मेलिटीज आप अप्लाई करोगे, आप एयरलाइन देखोगे कि कौन सी एयरलाइन उड़ रही है, कौन सी आपको चीप पड़ रही है, ठीक है, सब कुछ कंपेयर करके आप एक बुक करोगे, फिर आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, और लास्ट में कहाँ खत्म होगा, ये ट्रैवल सेटिस्फेक्शन। तो या तो आप ट्रैवल सेटिस्फाई होंगे, या तो आप सेटिस्फाई होंगे अपने ट्रैवल से, या अनसेटिस्फाई होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, आप आपकी नीड से लेकर सेटिस्फेक्शन तक, जो किसने दी थी, मैथिसन एंड वॉल ने, ये दो है, एक तो मैथिसन और वॉल है, और मिल एंड मॉरिसन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा है, तो आप कि डब्ल्यू और एम और डब्ल्यू वाला 1982 का है, एम और डब्ल्यू वाला, वॉल्स वाला, और इन्होंने मोटिवेशन के बारे में दिया कि क्या क्या टूरिस्ट के मोटिवेशन रहते हैं, एम एंड डब्ल्यू, कंफ्यूज ना होने के लिए, 1882 वही सेम ईयर है जब हमें इंडस्ट्री का, हमारे इंडिया में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिला था, ठीक है। देन आता है मिल एंड मॉरिसन, मिल एंड मॉरिसन ने टूरिज्म सिस्टम दिया, मिल एंड मॉरिसन ने टूरिज्म सिस्टम दिया, एक सिंपल सा सर्कल में बता दिया कि टूरिज्म सिस्टम कैसे काम करता है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आते हैं, इसमें भी मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, जैसे अब पहले है मार्केट, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये इट्स अ सर्कल, तो इट विल मेक प्रॉपर सेंस फ्रॉम एनीवेयर, तो हम मार्केट से स्टार्ट करते हैं, मार्केट से क्या होता है, मार्केट का मतलब यहाँ सब्जी मंडी नहीं है, ठीक है, मच्छी मंडी नहीं है, मच्छी बाजार नहीं है, क्या है यहाँ पे मार्केट का मतलब, मार्केट का मतलब बिजनेस में क्या होता है, जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपको खरीद आपका प्रोडक्ट खरीदने वाली है, और यहाँ पे वो कौन हुआ, टूरिस्ट, तो मार्केट यहाँ पे कौन है, टूरिस्ट है, तो जब टूरिस्ट ट्रैवल करता है, जब टूरिस्ट ट्रैवल करता है तो क्या होता है, दैट ट्रैवल परचेज, इसे याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्चुअल में कि मार्केट टू मार्केट ट्रैवल, मार्केट टू ट्रैवल, तो आगे आपको ऑप्शन दिया होगा टू ट्रैवल परचेज, ठीक है, तो ये आपको इसमें सेंस बन जाएगी, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, जब टूरिस्ट ट्रैवल करता है तो क्या हुआ, जब ट्रैवल कर रहा है मतलब उसने कुछ ट्रैवल परचेज किया है तभी वो ट्रैवल कर रहा है, तो क्या हुआ, द ट्रैवल परचेज, ठीक है। अब वो ट्रैवल तो कर रहा है, ट्रैवल कहाँ के लिए कर रहा है, डेस्टिनेशन के लिए कर रहा है ट्रैवल, ठीक है, अब वो डेस्टिनेशन के लिए कर रहा है, कौन सी डेस्टिनेशन है, किस तरह, किस क्या उसका टाइम है, ठीक, कितने टाइम के लिए वो कर रहा है, ठीक है, कितने लोगों के साथ कर रहा है, कैसी फैसिलिटीज ले रहा है, तो उसमें क्या है शेप ऑफ ट्रैवल डिमांड, कि किस तरह की डिमांड है उसकी, ट्रैवल डिमांड है जब वो डेस्टिनेशन में कंज्यूम कर रहा है, तो आपके आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ट्रैवल टू डेस्टिनेशन, तो इसमें आएगा शेप ऑफ ट्रैवल डिमांड, कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है डेस्टिनेशन को तो किस तरह का ट्रैवल कर रहा है। देन आता है डेस्टिनेशन टू मार्केटिंग, कोई डेस्टिनेशन है, आप यहाँ से भी स्टार्ट करो, डेस्टिनेशन को कोई डेस्टिनेशन तैयार है, उसको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप केरला टूरिज्म के एड्स देखते हो, ठीक है, और किसी मध्य प्रदेश की एड देखते हो, तो वो डेस्टिनेशन उन्हें ऑलरेडी तैयार कर रखी है, तो अब उन्हें मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, प्रमोशन तो करनी पड़ेगी, तो जब डेस्टिनेशन मार्केटिंग करता है तो वो क्या होगा, सेलिंग ऑफ ट्रैवल, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपना ट्रैवल, ठीक है, वो सेल के लिए कर रहा है, सेल ऑफ ट्रैवल, और मार्केटिंग टू मार्केट मतलब मार्केटिंग किस तक पहुंचती है, खरीदा तो वो मार्केट ने खरीदा, ठीक है, सेल तो वो मार्केट को हुआ, ठीक है, तो मार्केटिंग का डेस्टिनेशन टू मार्केटिंग क्या हुआ, सेलिंग ऑफ ट्रैवल, और मार्केटिंग टू मार्केट क्या हुआ, रीचिंग द मार्केट प्लेस, ठीक है, मार्केटिंग का पर्पज ही कब फुलफिल होगा, जब वो मार्केट तक पहुंचेगा, ठीक है, अगर केरला वाले इंडिया को अट्रैक्ट करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, और वो न्यूज़ पाकिस्तान, वो एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में देते हैं, तो कभी नहीं पहुंचेगा मार्केट प्लेस तक, उनकी डेस्टिनेशन की मार्केटिंग कभी नहीं पहुंचेगी, एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं आएगा मार्केट उनके पास, ठीक है, मार्केट कभी ट्रैवल करके नहीं आएगा वहां तक, तो दैट इज दैट, कि जब मार्केटिंग मार्केटिंग टू मार्केट याद रखना, जब मार्केटिंग करता है, जब मार्केटिंग होती है तो वो उसका टारगेट कौन होता है, मार्केट होती है, तो जब मार्केट होती है तो दैट इज रीचिंग द मार्केट प्लेस, तो ये याद रखना बहुत, इतना भी टफ नहीं है, आसान है, ये सेंस बनती है पूरी, मार्केट से, जब मार्केट से ट्रैवल गया तो परचेज हुआ, ट्रैवल से डेस्टिनेशन गया तो शेप ऑफ, कि भाई किस तरह का डिमांड थी, और डेस्टिनेशन जब मार्केटिंग गया तो सेल, सेल हुआ क्योंकि पर्पज सेल करना है, सेल ऑफ ट्रैवलिंग, और मार्केटिंग टू मार्केट गया तो रीचिंग द मार्केट प्लेस, ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बटलर टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल, ठीक है, ये 1980s में आया, ठीक है, इससे पहले हमने 1985 में आया था मिलन मॉर्सन, 1985 में आया था,
और मैथिसन एंड वॉल 1982 में आया था, ठीक है। बटलर टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल 1980s में आया। तो आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम सा है। बटलर ने जस्ट इसको कन्वर्ट कर दिया टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट पर, पर्टिकुलरली स्पेशली ही इसको टूरिज्म के लिए कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज सेम चीज है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेस्टिनेशन में क्या होता है, पहले टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, उसको इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की उस डेस्टिनेशन के साथ। वो उस डेस्टिनेशन का पोटेंशियल समझते हैं कि यार ये मतलब सच में ये एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की पोटेंशियल रखती है, ठीक है। तो दैट इज इन्वॉल्वमेंट। तो आप देखते हो स्टेज ऑफ टूरिज्म लाइफ साइकिल हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट स्टेज में। देन आती है एक्सप्लोरेशन स्टेज। एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या होता है, अब जब वो एक एक छोटे से तबके को पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अब बाकी चीजें ढूंढना शुरू कर लेते हैं। हो सकता है वहां पे तालाब था, ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट हुई, कोई एक डेस्टिनेशन है वहां पे एक लेक है बहुत बड़ा, तो लोगों को लगता है कि यार ये इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, तो लोग आना शुरू कर लेते हैं। जैसे आपको चंद्रताल के बारे में पता होगा, चंद्रताल अब हर साल के साथ वहां टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक वो इन्वॉल्वमेंट में था, अब वो एक्सप्लोरेशन में चला गया है। एक्सप्लोरेशन इसका मतलब कि अब वहां पे कुछ साथ में कुछ और सैटेलाइट डेस्टिनेशन भी ढूंढी जा रही है, ठीक है। एक नीश प्रोडक्ट, तो अब वो नीश प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है वो तो लेक हो गया, ठीक है। आप पराशर जाते हो, पराशर का नीश प्रोडक्ट तो लेक हो गया, बट और चीजें भी आप देखते हो, आप वो व्यू हो गया, ठीक है, वो ग्रीनरी हो गई, उस और चीजें जो आसपास की डेस्टिनेशन है वो आप एक्सप्लोर करते हो। मंडी आए हो तो आप कहीं और चले जाओगे, आप रिवालसर चले जाओगे। तो आप फिर एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या होता है, टूरिस्ट भी बढ़ने लग जाते हैं और कुछ और सैटेलाइट डेस्टिनेशन भी आसपास में बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे एक टाइम शिमला ही फेमस था, अब कुफरी फेमस हो गया है, ठीक है, चाइल फेमस हो गया है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। देन फिर क्या होता है, फिर जब वो एक्सप्लोरेशन स्टेज कंप्लीट हो जाती है, टूरिस्ट का नंबर ऑफ विजिटर बढ़ते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, तब वहां पर डेवलपमेंट स्टेज आती है। तो मतलब वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहां तक ROT यूज होते हैं, तो एक्सप्लोरेशन स्टेज तक ROT यानी रेजिडेंशियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज होते हैं, ठीक है। वहां तक अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो रेजिडेंशियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं, होम स्टेज में रह रहे हैं, कुछ गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट जब डेवलपमेंट स्टेज आ गई, तो वहां उस डेस्टिनेशन में अब गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने वो पोटेंशियल समझ लिया है कि ये पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो अपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लाई करना शुरू कर लेते हैं। वो एम्यूजमेंट पार्क बना देंगे, अच्छे अच्छे होटल्स बना देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट साइडवॉक्स बना देगी, ठीक है, टूरिस्ट हेल्प सेंटर बना देगी। तो ये डेवलपमेंट स्टेज में होगा। टूरिस्ट बढ़ते रहते हैं कब तक, जब तक कंसोलिडेशन स्टेज नहीं आ जाती। कंसोलिडेशन स्टेज में आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अब यहाँ पर रिपीटिंग टूरिस्ट कम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए डिक्लाइन, अब उस फ्लो से नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, अब उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रहती है, ठीक है। इसमें इस पूरी प्रोसेस में, लाइफ साइकिल में जो नेक्स्ट है डॉक्सी, इसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं समझाऊंगा, ठीक है, ये क्यों डिक्लाइन हो गया है। इसमें लोगों का भी, लोकेलिटी का भी बहुत फर्क रहता है, ठीक है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ने लग जाती है, ठीक है, अब डिक्लाइन आना, ग्रोथ में डिक्लाइन नहीं आता है, बट उसमें वो वैसी ग्रोथ नहीं रहती जैसी डेवलपमेंट में हमने देखी थी, ठीक है। और लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है, स्टैग्नेशन स्टेज में पहुंच जाता है, मतलब अब वो उससे ऊपर तो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया है, ठीक है। तो कई ऐसी डेस्टिनेशन जो अभी स्टैग्नेशन में पहुंच गया है, तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, शिमला इटसेल्फ राइट नाउ इन स्टैग्नेशन। तो अभी सरकार कोशिश कर रही है उसको रिजुवेनाइल करने की, ठीक है। स्टैग्नेशन के बाद दो ही स्टेप हो सकते हैं, या तो डेस्टिनेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिक्लाइन भी हो जाएगी। जैसे कश्मीर एक टाइम पे 1990s में बहुत फेमस हो गया था, अब डिक्लाइन पे इसीलिए चला गया, क्यों, क्योंकि थोड़ा टेररिज्म की वजह से, ठीक है, जो एक्टिविटीज हुई वहां पर, ठीक है, मिलिटेंसी बढ़ गई, तो उससे वो डिक्लाइन में चला गया। तो अगर अब कल दिन सिचुएशन बेटर होती है, वो उस चीज को रिजुवेनाइज करते हैं, तो वो लाइफ साइकिल फिर से ग्रो करने लग जाएगा, टूरिस्ट फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो स्टैग्नेशन से या तो आप डिक्लाइन करते हो, अगर आप टाइम से मेजरमेंट नहीं लेते हो, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट नहीं लेते हो, या आप कुछ नई एक्टिविटीज या आप इंप्रूवमेंट करते हो अपनी पॉलिसीज में और उसको रिजुवेनाइल करते हो, ठीक है। तो दो ही रास्ते हो सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट ये हो गया, ये कब आया था, 1980s में। फिर है डॉक्सी इरिडेक्स इंडेक्स। इरिडेक्स में ही आप देख रहे हो डॉक्सी इरिडेक्स थ्योरी, ठीक है। तो इरिडेक्स का मतलब है कि इरिटेशन
और इंडेक्स को इकट्ठा करके बनाया गया है, इट्स अ वर्ड प्ले, सिंपल सा इरिटेशन और इंडेक्स को इकट्ठा कर दिया है। तो डॉक्सी ने क्या किया 1975 में, साइकोलॉजिकली, ये भी प्रोडोमिनेंटली साइकोलॉजिकल ही बेस्ड रिसर्च थी, उन्होंने कहा कि कैसे जो लोकेलिटी होती है वो टूरिस्ट में अपना इंटरेस्ट लूज करती है विद टाइम। ठीक है, पहले लूज करती है और फिर पहले वो खुश होती है। ठीक है, जब आप नए किसी नए कल्चर के आदमी से इंटरेक्ट करते हो तो आप, आपको होता है कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक्साइटेड होते हो, है ना, तो उस वैसे करके पहली स्टेज क्या है, यूफोरिया। जब किसी डेस्टिनेशन में टूरिज्म इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो लोग खुश होते हैं। अब भी आप देखोगे, कभी आप इसको ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कभी आप इटली के रीजन को, किसी आप यूरोपियन रीजन को देखोगे तो वहाँ टूरिज्म बहुत पहले से है। ठीक है, तो वहाँ के लोग थोड़ा लोग टूरिस्ट को पसंद नहीं करते। ठीक है, वो लेटर स्टेज पर पहुंच गया है, मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अगर कोई टूरिस्ट अभी अफ्रीका जाता है, उनके ट्राइब्स में जाता है, तो वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, और वो सिंपल सा एक साइकिल, वो एक ह्यूमन नेचर है। जब कोई चीज नई नई इंट्रोड्यूस होती है, आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो क्या होता है, लोगों की फीलिंग पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाई होती है, टूरिस्ट कम, नंबर देखो नंबर ऑफ टूरिस्ट है, टूरिस्ट कम है अभी, टूरिस्ट बस इतने ही है, बट जो पॉजिटिविटी है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो यूफोरिया है। यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, बट आगे जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ने लग जाते हैं, तो वो हैबिचुअल होने लग जाते हैं, लोग लोकल कम्युनिटी हैबिचुअल होने लग जाती है, तो अपैथी आ जाती है। अपैथी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो ना हो, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपैथी तक ठीक है, बट अपैथी के बाद इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। जब टूरिस्ट बहुत बनने लग जाते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करने लग जाते हैं, वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लग जाते हैं, उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, उनके रोड्स छोटे पड़ जाते हैं टूरिस्ट के, उसे तो उनको उनकी डेली लाइफ में हिंड्रेंस आने लग जाती है, तो वो इरिटेट होना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इरिटेशन है, बट वो कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। कब तक एक्शन नहीं ले रहे, जब तक वो एंटोगनाइज नहीं हो जाते, जब तक उनके अंदर एंटोगनिज्म नहीं आ जाता। जब वो एंटोगनाइज हो गए, अब वो फिजिकली अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे टूरिस्ट से लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, ये एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली वेनिस में क्या हुआ, वेनिस में, वेनिस इटली में है, मैंने कल ही बताया था मैप में, तो वेनिस में लोकल्स प्रोटेस्ट करने लग गए कि टूरिस्ट का यहाँ कम कर दो, ये टूरिस्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा हो रही है, हम अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली, वो प्राइवेसी और जो इन्फ्लेशन बढ़ती है टूरिस्ट के आने से, मैं आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो वो सब कुछ से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें उन्हें टूरिस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो क्या, वहां मतलब वेनिस में क्या हो गया, एंटेगनाइज हो गए वो। ठीक है, वो अभी अभी जैसे मैंने कहा कि आप इंडिया में भी टूरिस्ट को अभी यूफोरिया से ही देखा जाता है। ठीक है, अब दिल्ली ऐसे रीजन में, दिल्ली दिल्ली आगरा, कोई टूरिस्ट, तमिलनाडु कुछ रीजन है, जैसे मोनूमेंट्स है, ठीक है, जितने भी है मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम है, तो इन जगहों में जैसे टूरिस्ट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इनफ्लो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग अपैथी और इरिटेशन तक आ गए हैं। शिमला इटसेल्फ, शिमला में डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए इरिटेशन क्या है, एंटोगनिज्म आ चुका है। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल कर्व है, जो कि होता ही है। अब इसमें क्या होता है, मुझे एक क्वेश्चन याद है कि ये डॉक्सी इरिडेक्स जो इंडेक्स है, वो बटलर टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल से रिलेट करते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि जो अपैथी है, जो डॉक्सी रिडेक्स की अपैथी स्टेज है, वो बटलर टूरिज्म लाइफ साइकिल पे कहाँ जैसे आती है, ठीक है, कौन से स्टेज पे आती है। ठीक है, तो आप अभी भी बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो, बट चलो मैं ही बता देता हूँ अभी। डेवलपमेंट में आती है, डेवलपमेंट। हाँ जी, तो इसको सिंपल ऐसे ऐसे सकते हो, आपकी यूफोरिया कहाँ हुआ, जब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, तो हाँ यूफोरिया जी, है। ठीक है, फिर जब आप आगे डेवलपमेंट में आते हो, कंसोलिडेशन में आते हो, तो आप अपैथी और इरिटेशन तक आने लग जाते हो। ठीक है, जब आप स्टैग्नेशन पे आ गए, आप डेफिनेटली, अब स्टैग्नेशन, आप एंटोगनिज्म पे आ गए हो, डिक्लाइन हो गया, तो आप एंटोगनिज्म पे आ गए हो डेफिनेटली। अगर आप रिजुवेनाइल करते हो, आप लोग गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज कन्विंस करती है, लोकेलिटी को कन्विंस करती है, तो रिजुवेनाइल हो सकता है, अदरवाइज एंटोगनिज्म आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टन, क्रिप्टॉन पुल एंड पुश फैक्टर। ठीक है, पुल एंड पुश फैक्टर हमें पता है क्या है, ठीक है, इसका डेट याद रख लेना, क्रिप्टॉन ने कब दिया था, 1979 में दिया था। ठीक है, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, एक्सप्लेन टूरिज्म बिहेवियर एंड ट्रैवल मोटिवेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने दो तरह के मोटिव्स दिए, पहले दिए सोशियो साइकोलॉजिकल, जो सोशल
सोशल मतलब समाज से इन्फ्लुएंस थे या साइकोलॉजिकल अपने आप पर्सनल रीजन की वजह से इन्फ्लुएंस थे, और दूसरा दिया इसने कल्चरल मोटिव्स, जो कल्चरल जो मैं आपको बताऊंगा या कल्चर के लिए एक स्टाफ एक जिज्ञासा ठीक है उससे या अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस थे ठीक है। तो जैसे हम एक एक करके करते हैं, पहले सेवन, ये सात इन्हें सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव्स दिए ठीक है, जिसमें पहला था एस्केप फ्रॉम परसीव्ड मुंडे एनवायरनमेंट ठीक है, वही चीज अपनी डेली रूटीन से बाहर निकलना, वो एक मोटिवेशन हो गई, वो एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हो गई ठीक है। फिर है एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को पहचानना, अपने आप के पोटेंशियल को जानना, अपने आप को चैलेंज करना कि वही चीज कि भाई एक एक तो डेली मुंडे से बाहर निकलना जो आप रोज कर रहे हो उससे बाहर निकलना, और अपने आप को मतलब एक सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना ठीक है। ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है ठीक है। तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी दूसरी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हिमाचल का कोई स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा जाता है किसी ट्रेनिंग के लिए ठीक है, कोई किसी सेशन के लिए, किसी सेमिनार के लिए, हो सकता है वो स्पोर्ट्स पर्सन हो ठीक है, हो सकता है वो अकेडमियन हो, किसी मीटिंग के लिए जाता है, तो वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, इवैल्यूएशन के लिए जा रहा है, तो वो भी एक मोटिवेशन हुआ, वो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हुआ ठीक है। देन इज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हो सकता है आप गोवा जाते हो ठीक है बीच में रिलैक्स करने के लिए, तो एक मोटिवेशन हुई ठीक है। प्रेस्टीज, जो मैंने पहले कहा ग्रैंड टूर का एग्जांपल हो गया, प्रेस्टीज एक्चुअल में टूरिज्म में बहुत लेटर स्टेजेस तक नहीं जाता ठीक है, मोटिवेशन ये स्टार्टिंग मोटिवेशन होता है, बट इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर आपको प्रेस्टीज मैटर नहीं करता कुछ टाइम के बाद ठीक है। ये जनरल पीपल्स के लिए होता है, जैसे हम कभी वंस इन वाइल घूमते हैं तो हम सोचते हैं कि फोटो खींच लेते हैं, बाकी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ग्रैंड टूर वाला वो भी प्रोडोमिनेंटली प्रेस्टीज से इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट है रिग्रेशन, तो रिग्रेशन क्या, रिग्रेशन ये वो स्टैटिस्टिक वाला रिग्रेशन नहीं है, रिग्रेशन इज लाइक आप नॉस्टैल्जिया में जा रहे हो, कोई ऐसी चीज जो आपने पहले से फील कर रखी है ठीक है, कोई आपके बचपन, हो सकता है आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन जा रहे हो जो जहां आपने अपना बचपन गुजारा है, अपने पुराने घर जा रहे हो ठीक है। जैसे कुछ ब्रिटिशर इंडिया वापस आते हैं अपने जहां जहां उनने अपना बचपन गुजारा है, बेबी बूमर्स जो होते हैं 16 के आसपास के जो लोग होते हैं ठीक है, तो वो वापस आते हैं ठीक है, वो अपनी अपने पेरेंट्स की ग्रेव देखने आते हैं, तो रिग्रेशन इज मोस्टली रिलेटेड टू नॉस्टैल्जिया ठीक है, जो आप पुरानी को रिवाइंड करने, पुराने एक्सपीरियंस को रिवाइंड करने के लिए ट्रैवल करते हो ठीक है। देन सिक्स्थ है एनहेंसमेंट ऑफ किनशिपमेंट ठीक है, किनशिप रिलेशनशिप मतलब आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन लोगों से, अपने जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनसे मिलने के लिए ट्रैवल करते हो, विजिट करते हो, आपके रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया है आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हो ठीक है, तो उनके लिए जो ट्रैवल हो गया ठीक है। एंड लास्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ सोशल इंट्रैक्शन ठीक है। आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेके कहीं गोवा चले गए घूमने के लिए ठीक है, आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप किसी बुक क्लब में चले गए ठीक है, वंस इन वीक आप वीकेंड पे आप बुक क्लब पे चले गए, आप वहाँ बुक डिस्कस कर रहे हो ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हो आप, तब ट्रैवल कर रहे हो अपने डिबेट के लिए, सो सोशल इंट्रैक्शन बेसिकली आप ट्रैवल करते हो ठीक है। और कल्चर मोटिव्स क्या हुए, कल्चर मोटिव मैंने प्रेस्टीज तो कहा यहाँ पे इसके लिए ग्रैंड टूर के लिए, और उसमें कल्चर मोटिव्स भी थे ठीक है, उसमें पॉजिटिव तो कल्चर मोटिव्स ही थे कि नोवेलिटी के लिए, नया एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक है। बिफोर यू आर स्टार्टिंग उनका सीधा सा, अभी भी उनका कल्चर वैसा ही है, वो गैप अभी भी वेस्टर्न कम्युनिटी क्या करती है, गैप ईयर लेती है अपनी स्टडी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच, तो जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जब उन्हें फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी होती है, तो वो 1 ईयर 2 ईयर का गैप ईयर लेती है जिसमें वो ट्रैवल करती है ठीक है। ये जर्मनी पोलैंड इस रीजन में ज्यादा चलता है ठीक है। तो वो क्यों, नोवेलिटी के लिए, एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए, एजुकेशन के लिए ठीक है, तो वो कल्चर मोटिव्स होते हैं ठीक है। अब 1979 में आया था ये, याद रखना ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट दिया था डोइसन बेरी ने 1949 में, टूरिज्म वाला नहीं दिया था, जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट की जो टर्म दी थी बेसिकली डोसन बेरी ने दी थी 1949 में ठीक है। टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या है इसमें, मैं वो सीधा सीधा बता देता हूँ ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कई बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं, मैंने कुछ मेजर टर्म लिखी है जो एग्जाम्स में भी आ रखी है, जो देखी हुई है मैंने, एंड जो मैंने जो मतलब कॉमन है बहुत सारी रिसर्चेज में ठीक है। तो फर्स्ट है एक्लचरेशन एंड सेकेंड है ट्रांसकल्चरेशन, दोनों साथ में लिखा है ताकि इनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, लोग कई बहुत सोचते हैं कि ये सेम चीज है बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अकल्चरेशन क्या होता है, जब कोई कल्चर
डोमिनेट कर जाता है किसी और कल्चर को। अब इसको टूरिज्म प्रोस्पेक्ट पे लेते हैं कि कोई टूरिस्ट का कल्चर डोमिनेट कर जाता है डेस्टिनेशन के कल्चर को, ठीक है। डेस्टिनेशन कल्चर इन्फ्लुएंस हो जाता है टूरिस्ट के कल्चर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो कॉलोनाइजेशन जो था वो सारा अकल्चरेशन पर था। कॉलोनाइजेशन का पर्पज ही था कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां के कल्चर को अपनी तरह ढाल दो, अपना कल्चर वहां पे थोप दो। हम अभी हमारी इंग्लिश प्रोडोमिनेंट लैंग्वेज है, अकल्चरेशन का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो अकल्चरेशन का एक और एग्जाम्पल इसलिए, अब गोवा जाओगे आपको गोवा में बहुत सारे रशियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि रशियन टूरिस्ट वहां ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप अगर आपने कसौल का नाम सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, तो कसौल में उसे मिनी इसराइल ही कहते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने रेस्टोरेंट्स, अकोमोडेशन, वो सब कुछ इसराइल के आर्किटेक्चर की तरह, इसराइल के कल्चर की तरह ढाल दी है, ठीक है। वो अपने जो उनके नेटिव वो इंडिजिनियस कल्चर है उसे नहीं दिखा रहे हैं, जो जिस तरह के टूरिस्ट आ रहे हैं उस तरह की चीजें ही बेच रहे हैं, ठीक है। दैट इज अकल्चरेशन, कि अपने कल्चर किसी कोई लोकल कल्चर, कोई कल्चर किसी दूसरे कल्चर से डोमिनेट हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। हम ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ही इन्फ्लुएंस्ड है। देन ट्रांस कल्चर क्या होता है? ट्रांस कल्चर है कि पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करता कल्चर, कोई कल्चर, वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। एक एमलगम बन जाता है दो कल्चर्स का, और उससे कोई तीसरी चीज निकल जाती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे ऊपर आया था कि अकल्चरेशन इज लाइक कि वी आर स्विचिंग टू इंग्लिश, राइट। बट ट्रांस कल्चर इज लाइक जो हमने अब ये मिक्सचर यूज करते हैं हिंदी और इंग्लिश का, जैसे हिंग्लिश कहते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रांस कल्चर। हम इंडियन जनरली इंडियंस ना हिंदी बोलते हैं पूरी, ना इंग्लिश बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, हम एक हिंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश कभी इंग्लिश में स्विच हो जाते हैं, बायलिंगुअल स्पीक करते हैं, कभी इंग्लिश में स्विच हो जाते हैं, कभी हिंदी में स्विच हो जाते हैं। तो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस कल्चरेशन। तो ट्रांस कल्चरेशन इज लाइक कि आप कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, किसी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, आपने उसकी कुछ कुछ उसके कुछ एडिकेट्स लिए, कुछ उसकी क्वालिटीज ली, ठीक है, और अपनी कुछ क्वालिटीज लूज कर दी। तो ट्रांसकल्चरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छी चीजें किसी और कल्चर से लेते हो तो जनरल सी बात है कि आपको ट्रांसकल्चरेशन पॉजिटिव हुआ है। अगर आप कुछ बुरी चीजें लेते हो तो वो नेगेटिव भी हुआ है। तो ट्रांसकल्चरेशन कुड गो बोथ वेज। देन नेक्स्ट इज कमोडिफिकेशन। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मैंने समझाया आपको। तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मतलब है कि कोई डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसी डेस्टिनेशन पे, किसी जगह पे कोई किसी दूसरों टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस आता है जब, तो जो लोकल कम्युनिटी होती है वो डेमोस्ट्रेट करने, वो इमिटेट करने लग जाती है। किसको वो इमिटेट करने लग जाती है? टूरिस्ट को। उनके कल्चर, अगर वो इन्फ्लुएंस होती है उनके कल्चर से, उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होती है, तो वो उनको इमिटेट करने लग जाती है, उनको कॉपी करने लग जाती है, ठीक है। वो इमिटेशन इंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है। आप इंटेंशनली भी उस कल्चर को अपना सकते हो, या आप अनइंटेंशनली भी उस कल्चर को अपना सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली चीजें हम अनइंटेंशनली करते हैं, बट या कई चीजें हम इंटेंशनली भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, कि हम लोकल कम्युनिटी कॉपी करने लग जाए, इमिटेट करने लग जाए फॉरन कल्चर को, ठीक है। द नेक्स्ट इज कमोडिफिकेशन। कमोडिफिकेशन भी कल्चर का ही लो आप, ठीक है। कमोडिफिकेशन क्या करते हैं? हम अपने कल्चर को कमोडिफाई कर लेते हैं। आप किसी अगेन मैं शिमला का एग्जांपल दूंगा, जैसे मुझे जो जो याद आ रहा है कि आप शिमला जाओगे, आपको वहां पे वो कुल्लू की जो पहनावा है उस पर फोटो खींचने का मौका मिलता है। याक पे बैठते हो आप, ठीक है, वो ड्रेस पहनते हो, ठीक है। तो आप जो टूरिस्ट आते हैं वो उन कपड़ों को पहनते हैं, फोटो खींचते हैं। सो दैट इज कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। वो एक्चुअल में अब कुल्लू के लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग अभी पुरानी, मतलब जो अभी भी थोड़ा कुछ है, कोई जगह है जहाँ ये कल्चर प्रिजर्व है, बट मोस्टली क्या है, स्विच हो गए हैं, ठीक है, जो ये पैंट शर्ट्स पे आ गए हैं। बट जो वो कल्चर है वो मोर लाइक अ कमोडिफिकेशन, वो बिजनेस के लिए उस कल्चर को कमोडिफाई कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि कथकली हो गया, ठीक है। आप कुछ लोग इसको रिलीजियस सेरेमनी में नहीं यूज नाचते हो आप, ठीक है, आप वहां पे उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बट आप उसको जस्ट टू कमोडिफाई, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक और वर्ड भी दिया है, स्टेज ऑथेंटिसिटी। सो स्टेज ऑथेंटिसिटी क्या होता है? जब जो आप कोई चीज कर रहे हो, टी सिटी, ठीक है, जो आप कोई चीज कर रहे हो, कोई अपना अपना कल्चर शो कर रहे हो जस्ट स्टेज के ऊपर, आप रियल लाइफ में उसको इम्प्लाई नहीं करते, ठीक है। आप उसको डेली जैसे कल्चर होता है, ट्रेडिशन, आप एज ए ट्रेडिशन उसको यूज नहीं कर रहे हो, जस्ट टू शो अदर पीपल की हमारा कल्चर ये है, फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, कि हम पैसे के बेनिफिट के लिए, ठीक है, या किसी और वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बट दैट इज जस्ट ऑन स्टेज, उसकी ऑथेंटिसिटी जस्ट स्टेज तक ही है। सो दैट इज स्टेज ऑथेंटिसिटी और कमोडिफिकेशन। और मॉडर्नाइजेशन क्या होती है? मॉडर्नाइजेशन
को जैसे इसका एक और वर्ड होता है मैकडोनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, मैकडोनलाइजेशन कहते हैं, कोकोकोलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है ईस्टर्न कल्चर को, या पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर में भी अगर कोई कल्चर है जो डोमिनेट कर रहा है तो दैट इज अमेरिकन कल्चर, पॉप कल्चर, राइट। सो इसलिए इसे मॉडर्नाइजेशन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मॉडर्नाइजेशन के पॉजिटिव भी कई इम्पैक्ट्स है, बट कुछ नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यह डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बेसिकली लोकल कम्युनिटी कैसे इमिटेट करना स्टार्ट कर लेती है किसी बाहर के फॉरेन कल्चर को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैनली प्लॉग। स्टैनली प्लॉग, स्टैनली प्लॉग 1967 में इन्होंने मॉडल दिया अपना, ठीक है। इन्होंने बेसिकली टूरिज्म, टूरिस्ट को डिफाइन किया कि टूरिस्ट कैसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, ठीक है, किस तरह, किस टाइप के टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1974 में इसको फर्दर डिफाइन किया। एक्चुअल में 1967 में इन्होंने सिंपल वर्ड दिए थे साइकोसेंट्रिक, मिड सेंट्रिक और एलोसेंट्रिक, बट फिर कई रिसर्चेज इनके अगेंस्ट आई कि हमेशा जरूरी नहीं कि लोग इन तीन में ही डिफाइन हो। तो इन्होंने फिर फर्दर इसे आगे वेंचर में और डिपेंडेबल में फर्दर डिवाइड कर दिया 1974 में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि क्या किया उन्होंने, जो आप ये बेल कर्व देख रहे हो, ये देख रहे हो द अमाउंट ऑफ पीपल, बेसिकली नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। तो जब एलोसेंट्रिक, जो बिल्कुल फार एलोसेंट्रिक नेचर के होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो फार साइकोसेंट्रिक के होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, मिड सेंट्रिक सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग मिड सेंट्रिक होते हैं। एलोसेंट्रिक होता है जब आप किसी नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जाते हो, ठीक है। आप किसी आप कन्वेंशनल डेस्टिनेशन नहीं छांटते हो, ठीक है। आप एक्सप्लोरेशन में विश्वास रखते हो, आप कंफर्ट से दूर भागते हो, ठीक है। आपको आप कल्चर में मिक्स, जो जिस कल्चर में आप जा रहे हो लोकल कम्युनिटी में मिक्स होना है, उनको पर्सनली बेनिफिट करना है, अपना जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़ना है, अपना कंफर्ट बबल छोड़ना है। तो दोज आर एलोसेंट्रिक, जो फार एलोसेंट्रिक हो गए, ठीक है। फिर मिड सेंट्रिक हुए वो, फिर पहले साइकोसेंट्रिक पढ़ लेते हैं। साइकोसेंट्रिक हुए वो जो घर से तो निकल जाते हैं, वो अपने नेटिव प्लेस तो छोड़ के जा रहे हैं, बट अपना वो कंफर्टेबल बबल नहीं छोड़ते, ठीक है। तो जो अगर मान लो आप गुजराती हो और आप हिमाचल आ जाते हो, और आप हिमाचल आके भी गुजराती खाना मांग रहे हो, तो आप क्या हो, आप साइकोसेंट्रिक की तरफ वाले, मतलब आप इन्फ्लुएंस, आप इस तरफ के, इस रीजन के, ठीक है, लेफ्ट साइड के रीजन के तरफ की मेंटेलिटी वाले लोग हो, साइकोलॉजी वाले लोग हो, ठीक है। तो आप अपना वो कंफर्ट बबल नहीं छोड़ना चाहते, दैट इज साइकोसेंट्रिक। तो ये हो गया फारी, बीच में आ गया मिडल, जिनके अंदर मेजोरिटी क्या होते हैं वो वक्त के साथ वो कुछ एलोसेंट्रिक टेंडेंसी भी दिखाते हैं, साइकोसेंट्रिक टेंडेंसी भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर जैसे हमारी आइडियोलॉजी को हम फार लेफ्ट, फार राइट कर लेते हैं, वैसे ही इसमें भी वैसा कर रखा है, सेंटर डिपेंडेबल। इसमें याद रखना, ये इसका भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो डिपेंडेबल है वो साइकोसेंट्रिक से है, जो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते, ठीक है। वो अपनी वो फैमिली में ट्रैवल करते हैं, वो टेस्ट एंड ट्रायल चीजें जो ऑलरेडी ट्रायल्ड है, जो मास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कन्वेंशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनको कंज्यूम करते हैं, होटल्स कंफर्टेबल लेते हैं, तो वो डिपेंडेबल में आते हैं। तो अब ये टेंडेंसी वाइज है, या तो वो नियर डिपेंडेबल हो सकता है साइकोसेंट्रिक से, उसके अंदर थोड़ी कम साइकोसेंट्रिक से थोड़ी कम साइकोसेंट्रिक प्रवृत्ति हो सकती है, या वो सेंट्रिक सेंटर की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, सेंटर वेंचर की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो वेंचर डिपेंडेबल रखना आपने साइकोसेंट्रिक की तरफ का याद, और वेंचर रखना आपने एलोसेंट्रिक की तरफ का याद, ठीक है। तो नियर एलोसेंट्रिक क्या हो गया इसमें, अब जैसे आगे हम आपको पढ़ेंगे, जैसे आपने ड्रिफ्टर पढ़ा होगा, एक्सप्लोरर पढ़ा होगा, मैं आगे करवाऊंगा। तो ड्रिफ्टर हो गया एलोसेंट्रिक, बिल्कुल एक्सट्रीम जो एलोसेंट्रिक है, ठीक है। फिर एक्सप्लोरर हो गया वेंचर, नियर वेंचर, ठीक है, वैसे वैसे करके डिवाइड है फर्दर। फिर ये आया था 1967 में, और 1974 में इसका अपडेट आया था। फिर गन्स मॉडल, गन्स मॉडल का सीधा सा याद रखना, क्वेश्चन आया गन्स के ऊपर, ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही है प्रोडोमिनेंटली, ठीक है। इसने टूरिज्म पूरे 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 के पूरे टूरिज्म मॉडल को डिमांड और सप्लाई में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ही मस्ट बी इकोनॉमिक्स, तो इसने इकोनॉमिक्स के बेस पे इसको सप्लाई और डिमांड पे डिवाइड कर दिया। तो सप्लाई हुए टूरिस्ट, ठीक है, और डिमांड हुई अट्रैक्शन, एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो डिमांड हो गई जो आप कंज्यूम कर रहे हो, और टूरिस्ट आप हो गए। तो अगर हम इसे अगर इसमें सिंपल ले कि ये ह्यूमन एलिमेंट हो गया इसका सप्लाई, और बाकी जो ये इंडस्ट्रियल और ज्योग्राफिकल एलिमेंट है वो हो गया डिमांड, ठीक है।
1979 याद रख लेना, ठीक है। फिर ग्रे है, ग्रे भी याद कर लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट ये आते हैं क्वेश्चन, ये जरूरी, और ये भी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में है उसी से क्वेश्चन आते हैं, कोई और रिसर्च होती है, ये तो अभी सारी जो है ये 20 सेंचुरी की रिसर्च है, सारी की सारी जितनी भी रिसर्च है वो 20 सेंचुरी की है, और 21 सेंचुरी में भी बहुत रिसर्च हो गई है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, उनकी बुक्स, बुक्स के नाम आ जाते हैं, फिर उनके ऑथर कौन है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक ग्रे है, आपने सुन भी रखा होगा, वंडर रस्ट हमने नाम सुना है। तो इन्होंने ये 1917 में दो टर्म निकाली थी, उन्होंने टूरिस्ट को दो जगह डिवाइड कर दिया था, एक उन्होंने वंडर रस्ट में डाल, एक एक लोगों को, एक टूरिज्म सेगमेंट को वंडर लस्ट में डाल दिया था, एक टूरिज्म सेगमेंट को सन लस्ट में डाल दिया था। तो टूरिज्म वंडर लस्ट में हुआ ट्रैवल टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी टू एक्सपीरियंस द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, ठीक है। कोई जैसे मतलब आपका एलोसेंट्रिक हो गया बेसिकली, आपके अंदर तो जिज्ञासा है, अपने जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। तो इको टूरिस्ट हो गया, ठीक है, ड्रिफ्टर हो गया, ये सब कुछ वंडरलस्ट में आ जाएंगे। सनलस्ट इज लाइक मोर द सर्च फॉर बेटर सेट ऑफ एमिनिटीज देन अवेलेबल एट होम, ठीक है। आप घर से किसी फाइव स्टार होटल में लेते हो, किसी अच्छे महंगे फाइव स्टार रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट में स्टे करते हो जस्ट टू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ एमिनिटीज, ठीक है। वो थोड़ा एक अब वो अपना इंटरेस्ट था, किसी के लिए रिफ्रेशमेंट, किसी अननोन जगह जाना है, और किसी के लिए कंफर्टेबल रिलैक्सेशन, ज्यादा रिलैक्सेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या तो वो सनलस्ट होगा या वंडरलस्ट होगा। सनलस्ट से, इसे सनलस्ट इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा बीच रिजॉर्ट्स रिलेट होता है, तो ठीक है, सन सैंड एंड सन हो गया, ठीक है, सी हो गया, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा कोहन, कोहन क्लासिफिकेशन। कोहन भी आपके सिलेबस में नहीं है बट इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपने ड्रिफ्टर, एक्सप्लोरर, इंडिविजुअल मास टूरिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन मास टूरिस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा है, जैसे हमने कहा ड्रिफ्टर और एक्सप्लोरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीक न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, और इंडिविजुअल मास टूरिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन मास टूरिस्ट जो होते हैं वो फैमिलियर रिमेनिंग टू, वो रिमाइंडर ऑफ होम। तो वो अपने, ये लोग अपने कंफर्ट जोन में ही, एनवायरमेंटल बबल में ही रहना चाहते हैं, जो ने घर में एक्सपीरियंस किया है वो ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वाइल दे आर ट्रैवलिंग, ठीक है। बट एक्सप्लोरर और ड्रिफ्टर क्या होते हैं, वो इको टूरिस्ट होते हैं, वो कम्युनिटी में ज्यादा घुलते मिलते हैं, वो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनको दो क्लासिफिकेशन है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन नॉन इंस्टीट्यूटलाइज, कौन नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है टूरिस्ट और कौन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूरिस्ट है। इंस्टीट्यूशनलाइज का सिंपल मतलब है जो ट्रैवल एजेंसी, होटल, होटल्स, इन चीज़ों का जो मतलब ये इंडस्ट्री एलिमेंट है उनका यूज कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूरिस्ट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मास टूरिस्ट जो आपके पैकेज टूरिस्ट होते हैं, जो पैकेज परचेज करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, जो ग्रुप टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, ये अगेन ये बेबी बूमर्स होते हैं, ठीक है, यंग भी होते, फैमिली होती है, ठीक है, थोड़े वेल्थी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन टूरिस्ट होता है, ये इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं, इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करते हैं कि वो उनका पैकेज डिसाइड करे, वो उनके लिए सही गलत छांटे कि क्या उनके लिए बेस्ट है और क्या उनके लिए बेस्ट नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूरिस्ट होते हैं जो खुद से डिसाइड करते हैं, वो खुद से होस्ट कम्युनिटी में घुलते मिलते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोरर या ड्रिफ्टर होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन मास टूरिस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन या वर्ड याद रखो मास टूरिस्ट सिंपल सा है, वो लीस्ट एडवेंचरस होते हैं, स्पेंड मोर टाइम, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन देयर कंफर्ट एनवायरमेंटल बबल, ठीक है, एनवायरमेंटल बबल वही चीज हुई थ्रू आउट देयर ट्रिप। द आइटनरी इज डिसाइडेड इन एडवांस, ठीक है, पैकेज खरीद लिया है बेसिकली, ठीक है, आपके पास गाइड आप ले लेते हो, ठीक है, आपका गाइडेड टूर होता है, आपकी डायरेक्शन पहले से डिसाइड होता है कि आपने कहाँ लंच करना है, थोड़ा एक कंफर्ट होता है, आपको खुद से कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपके पास ट्रैवल एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, होस्ट होटल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपका एस्कॉर्ट होता है, आपका गाइड होते हैं, ठीक है। तो यह है ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट, और इंडिविजुअल मास टूरिस्ट होगा जो जिसकी आइटनरी फिक्स नहीं होती, उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल तो होता है, तो थोड़ा वो है तो वो ट्रैवल कर रहा है सेफ ही डेस्टिनेशन पे, उसका कंफर्ट जोन में ही कर रहा है, बट उसकी उसकी आइटनरी थोड़ी कस्टमाइज है, उसने अपने अकॉर्डिंग थोड़ी आइटनरी को चेंज कर रखा है, बेसिकली मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। बुक वो अभी भी ट्रैवल एजेंसी से कर रहा है। तो एनवायरमेंटल बबल का क्या मतलब हुआ कि आप थोड़ी सेफ्टी में रहते हो, आप एयर कंडीशन कोचेज में जा रहे हो, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है, आप कंफर्टेबल होटल्स बुक कर रहे हो, आप एक रेपुटेशन ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, जो ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी है उन पर विश्वास कर रहे हो, ठीक है,
आपको महंगा पड़ रहा है, बट स्टिल आप रेपुटेशन रेपुटेबल ट्रैवल एजेंसी के पास ही जा रहे हो, वेल प्लान्ड आइटनरी यूज कर रहे हो। अब अगर आप चाइनीज टूरिस्ट हो तो आप किसी दूसरी कंट्री में भी जाके चाइनीज ही फूड खा रहे हो, ठीक है। आप जो गाइड कर रहे हो, आप चाइनीज स्पीकिंग गाइड ही कर रहे हो, ठीक है, अपने किसी भी लैंग्वेज से, जिस जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसी का गाइड कर रहे हो कंफर्टेबल के लिए, ठीक है। स्टाफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो आप प्रोफेशनल्स है वो आपको आपको ट्रीट कर रहा है, स्टाफ आपका प्रोफेशनली ट्रेंड है, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया ब्रांडेड ब्रेकफास्ट। आप खुद से कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आपको सब कुछ ऐसा नहीं कि भाई हम डिसाइड करें कि हम ये हमने सर्च किया है, हमें किसी ने सुजेस्ट किया है कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट अच्छा है, हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। जो आइटनरी में है पहले से वो है, आप जस्ट रिलैक्स करने आए हो, ठीक है। तो दीज आर बट दिस इज एनवायरमेंटल बबल, जो इसे नहीं छोड़ना चाहता। जो ड्रिफ्टर और एक्सप्लोरर होते हैं वो अपना एनवायरमेंटल बबल को पीछे छोड़ लेते हैं, ठीक है। वो अपने एनवायरनमेंट पर को छोड़ने के लिए ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए ही ट्रैवल करते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, यूथ होते हैं, ठीक है, ये बैकपैकर्स होते हैं। इनके पास इतना फाइनेंस भी नहीं होता कि ये एक टूर पैकेज बुक करे, ठीक है, एक अच्छी कंफर्टेबल होटल बुक करे, अच्छी एमिनिटीज ले सके, ठीक है। तो ये जनरली यूथ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोकल कम्युनिटी में जाते हैं। जैसे अब आपको इको टूरिस्ट जो हो गए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हो गए, वो सारे ड्रिफ्टर्स होते हैं, ठीक है। देन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर सेम थिंग है, ठीक है, अरेंज देयर ओन ट्रिप, वो अपनी आइटनरी खुद में आते हैं, गो समवेयर अनयूजुअल, लुक फॉर कंफर्टेबल अकोमोडेशन एंड रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ड्रिफ्टर कुछ कंफर्टेबल कंफर्टेबिलिटी के पीछे नहीं भागता, बट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर क्या करेगा, वो ट्रिप तो एक्सप्लोर करेगा, वो एक अपना जो पार्ट है, एक पोर्शन है जिसके लिए वो आया है, वहां तो वो वनरेबल रहेगा, बट लास्ट में अकोमोडेशन, जो उसके बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसके टूरिज्म के, उसको वो कंफर्ट, वहाँ वो कंफर्टेबल देखेगा, वहाँ वो कंफर्टेबिलिटी देखेगा, ठीक है, वहाँ वो रिलायबल देखेगा, ठीक है। उसको कोई कुछ एक्सप्लोर करनी है तो वो रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन देखेगा, ठीक है। तो ये हो गया लीव, और वो दे डेयर टू लीव देयर एनवायरमेंटल बबल, ठीक है। ये भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी लोगों की, जैसे इको टूरिस्ट की आपको पता है डेफिनेशन, ठीक है। कल हमने पढ़ा था यासमिटी नेशनल पार्क, यासमिटी आप कैलिफोर्निया यहाँ जानते हो, तो ये वाला एरिया जो है ये यासमिटी नेशनल पार्क है। होप करता हूँ कि आपने खुद से भी सर्च किया होगा, कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क। मैं जैसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन में भी आया हुआ था, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? फर्स्ट थिंग, इट इज इन यूनाइटेड स्टेट। देन कौन से स्टेट में है? वायोमिंग। ये वायोमिंग में भी नहीं है, यहाँ मोन्टाना में भी है, पूरे पूरे रीजन में है, ठीक है। तो प्रोडोमिनेंटली ये वायोमिंग में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। तो इसे आप खुद से सर्च करना क्यों फेमस है। जैसे येलोस्टोन आप देख रहे हो, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये एक्चुअल में ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए फेमस है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए एक्टिव फेमस है, ठीक है, बेयर्स के लिए, ग्रिजली बेयर्स के लिए फेमस है। बाकी आप खुद से इसको सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। येलोस्टोन का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक स्टोन, आपको पता है जब सल्फ्यूरिक गर्म पानी निकलता है तो स्टोन जो सरफेस होता है वो येलोश हो जाता है, ठीक है। देन लास्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन। मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, आप अपने माइक ऑन कर सकते हो और मुझे सही आंसर बता सकते हो। हाँ जी सर, ये जो क्वेश्चन कराया था, आई थिंक उसका आंसर डी है। स्क्रीन सर पूरी विजिबल नहीं है, वो जूम हो गया, एक्चुअली जूम इन करना अच्छा, पड़ेगा स्क्रीन को। आप दिख रहा है आपको जी? नहीं अभी अभी तक आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी। दिख रही थी सर, अभी अभी बस वो जूम आउट मतलब लार्ज हो गई स्क्रीन एकदम से, अभी आपको स्मॉल करनी पड़ेगी। अब आपको दिख रहा है? नहीं पूरा नहीं सर, आधा। चलो मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपने कहा जी डी, आपने बिल्कुल सही कहा। कितने लोग हैं आप लोग अभी, कितने करेक्ट हो? हाउ मेनी पीपल आर देयर? आई थिंक फोर। अच्छा, तो सब सबका फोर ही आंसर है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट थी सराय वर फेमस एंड पॉपुलर फॉर इंडियन हॉस्पिटैलिटी, कि जो सराय है वो पॉपुलर और फेमस इंडियन हॉस्पिटैलिटी की टर्म है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है। सराय सुना है आपने, धर्मशाला सुना है आपने, ठीक है। सराय क्या होती थी, जो ट्रेवलर्स होते थे, जैसे आपको शेरशाह सूरी का पता है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल से लेकर ये गांधार,
अफगानिस्तान तक, ठीक है, तो उनके जो साइड में जो अकोमोडेशन होती थी वो सराय होती थी, ठीक है, फिर धर्मशाला भी हमारी एक टर्म थी, धर्मशाला होती थी रिलीजियस पर्पज में, ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने सरायों को नाम दिया मुसाफिर खाना, आप सराय भी कह सकते हैं और मुसाफिर खाना भी कह सकते हैं, ठीक है, तो शेरशाह जब मुगलों ने इसे मुसाफिर खाना कहा, और जब ये अशोका के टाइम पे था, अशोका ने भी दक्षिण मार्ग उत्तर मार्ग आपने पढ़ा होगा बनाया था, ठीक है, तो वो तब से ये टर्म सराय यूज हो रही है, तो ये पॉपुलर हॉस्पिटैलिटी आज भी है सराय, तो ये इंडियन हॉस्पिटैलिटी की एक पॉपुलर एंड फेमस टर्म है, तो पहले चीज ट्रू है। सेकेंड है, सराय है सेपरेट अरेंजमेंट फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ट्रेवलर टूरिस्ट, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पहले से ही एक वेजिटेरियन के लिए एक पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस था, तो ये पहले से डिवाइड किया जाता था कि जो जो लोग वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन कंज्यूम करें, जो नॉन वेजिटेरियन है वो सेपरेट सेक्शन है, ठीक है। इंडिया में चॉइस नहीं है वेजिटेरियन बनना और नॉन वेजिटेरियन बनना, इट्स मोर लाइक अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो चॉइस इन इन द सेंस चॉइस होती है, तो आप थोड़ा खाओगे वेजिटेरियन बट आपको मिक्स करने का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ आपको दोनों खाना मिल रहा है तो आप वेजिटेरियन छांट लोगे अगर आपकी चॉइस है, बट अगर आपको कुछ रिलीजियस ऑब्लिगेशन है तो आप वहाँ नॉन वेजिटेरियन मेजोरिटी क्या करती है, ऑर्थोडॉक्स पीपल क्या करते हैं, मतलब जिनका बिलीव है वो क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं उस प्लेस को जहाँ नॉन वेज मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था भटियारना, भट भट यारन, भटियारन क्या था बेसिकली, भटियारन वो औरत हु टेक केयर ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, भटियारन वो और वो महिला है बेसिकली जो उस लॉज जो उस सराय का ध्यान रखती थी, वहां पे लोगों को खाना देती थी, वहां अकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी, तो ये भी ट्रू है भटियारन, ये भी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। सराय को हम इंग्लिश में सराय की टर्म क्या थी, एन्स, ANN, ठीक है, तो वो भी ANN, INN बेसिकली, तो वो सेम चीज थी, ठीक है। लास्ट था, सराय वर ऑल्सो पेड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट, तो बिल्कुल धर्मशाला फ्री थी बट जो सराय थी वो पेड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, तो इसका मतलब ABC। वन थिंग एक्चुअली, मेरा ही जूम लार्ज हो गया था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसलिए वो आपका बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी स्मॉल किया तो मेरा ही हो गया था, अभी ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तो समझ गए, मतलब ये पेड भी थी, जो जो धर्मशालाएं थी वो फ्री हुआ करती थी बट अभी भी होती है, बट जो सराय थी वो पहले से ही पेड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशंस होते थे, ठीक है, क्योंकि जनरली इनको ट्रेवलर्स जो और ट्रेडर्स यूज करते थे, तो उन वो ऑलरेडी समर्थ होते थे पे करने के, ठीक है। आज का क्वेश्चन है आपका जो इससे रिलेटेड है, द टाइप ऑफ टूरिस्ट हु सीक्स नोवेलिटी ऑल एट ऑल कॉस्ट, इवन डिस्कम्फर्ट एंड डेंजर, एंड अवॉइड्स कॉन्टैक्ट विद अदर टूरिस्ट, ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कल दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप वहां दे सकते हो, ठीक है। कौन से टूरिस्ट है जो नई चीज के लिए अपना पूरा डिस्कम्फर्ट छोड़ लेते हैं, अपने आप को डेंजर में डाल देते हैं, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा? हाँ जी, तो एक बार आप वो भट्टरायन का जो बता रहे थे प्लीज, वो कौन होता है वो एक बार समझा देंगे, भट्टरायन टू केयर ऑफ लॉजिंग, भट्टरायन एक वुमन, हाँ ये एक वुमन को, क्या आप ये वर्ड देख रहे हो ना, भट्टी, ठीक है, तो हिंदी वर्ड से आ गया, मतलब ये दे आर लाइक अ केयर टेकर बेसिकली, ठीक है, जो वहां पे जो जो एक सराय पे एज अ केयर टेकर काम करते थे, वो उसे ओन करते थे, तो जैसे आप किसी अभी गेस्ट हाउस में जाते हो तो वहां पे एक केयर टेकर होता है, ठीक है, वो आपका खाने का इंतजाम करता है, आपके अकोमोडेशन का इंतजाम करता है, आपके नहाने धोने का इंतजाम करता है, सो दे आर लाइक दैट, ठीक है, तो ये सराय में हुआ करते थे, तो दैट्स हाउ दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एंड सर वन मोर थिंग, ये पीपीटी से अच्छे से और ज्यादा क्लैरिटी हो गई है, सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द प्रेजेंटेशन, उससे और ज्यादा क्लियर होने लगे।